ना मम्मी का भी मन नहीं लग रहा है पापा को लेके, इस बार मतलब अपने पूरे लाइफ में लग रहा है जैसे पहली बार अपने बच्चे लोगों के लिए करना पड़ रहा है मम्मी को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज अब जो है दोपहर का वक्त हो चुका है और हर बार हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ऐसे करके अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तो। चलिए गाइज वीडियो को आप लोगों को बता देते हैं कि मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, हम लोग भी कुछ वीडियो शूट किए होंगे जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। वो इंस्टाग्राम का जो हमारा आईडी है वो है मेरा प्रिंस RC2 और मम्मी का है रंजू 13। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए और उसको वीडियो को पहले देखिए, अगर पसंद आएगा तो आप लोगों को जरूर जाके उसको एक बार फॉलो और लाइक कर दीजिएगा और उस पर आप लोग मैसेज भी कीजिएगा तो हम लोग देख के बात भी कर सकते हैं। और अब आप लोगों को बता दें कि पूजा का जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से, आज बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गया था सुबह का ब्लॉग में कि आज हम लोग बोले तीज है तो आज तीज नहीं है, आज खाना था हमें क्या करना होता है, आज खाना बनता है शुद्ध से अच्छे से, सब धो के चूल्हा वाला सब बढ़िया से बनता है नियम धर्म से और रात में भी बनेगा। और कल हम लोग फास्ट रहेंगे तो कल छूने होने का भी जो भी सम्मान होगा सब कल किया जाएगा और भोलेनाथ का प्रे किया जाएगा, माता पार्वती जी का श्रृंगार किया जाएगा और कल हम लोग करेंगे, आज नहीं है। और कल का जो ड्रेस है आप लोगों को तो फाइनली पता चल ही जाएगा, अभी इसी ब्लॉग में मम्मी अब दिखा देंगी कि फाइनली कौन सा डिसाइड किए हैं। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इनका पहनिएगा, पर हम लोग ऐसे भागे भागे आए कि क्या बोला जाए, और जिस काम के लिए आए वही काम अभी तक नहीं हुआ, पर तीज होगा तो तीज तो होना ही है। और ये जो साड़ी पहने हैं ये हम पहले बार मनीषा को देखने गए थे उसको, तो ये साड़ी हम पहन के गए थे और ये साड़ी हमारा 7 साल का पुराना साड़ी है, नया साड़ी नहीं है मेरा, लेकिन हम इतने इज्जत से रखते हैं कि लगता है जब पहनेंगे तो नया ही लगेगा। और ये हम मनीषा को जब देखने गए थे इसी कलर का, वो भी सूट पहनी हुई थी उस समय, तो हम लोग देख के आए थे। तो और लेके चलते हैं आपको पहले, आज है ना मम्मी का भी मन नहीं लग रहा है पापा को लेके, इस बार मतलब अपने पूरे लाइफ में लग रहा है जैसे पहली बार अपने बच्चे लोगों के लिए करना पड़ रहा है मम्मी को। हाँ पापा अकेले हैं घर पे और खाना बनाने वाली आके बना कर रख के चली जाती है, तो वो अपने से निकाल कर खा रहे हैं और गर्म पानी करके पी रहे हैं, चाय बना के पी रहे हैं, तो ये लाइफ में उनके पहली बार है। जैसे पढ़ते थे तब बना के खाते थे, लेकिन अब बच्चों लोग के खुशी के लिए हमको भेजे, लेकिन हम यहाँ पर आए तो हमको अच्छा लग रहा था बच्चे लोग के साथ, लेकिन हमको कहीं जाकर अफसोस भी हो रहा है कि हम क्यों आ गए, कम से कम उनके साथ हम रहते तो। अकेले हुए हैं घर पे और एक सिमी है तो उसको भी देखभाल कर रहे हैं। तो इतना साल की उम्र में आपको कौन सा फेज बहुत अच्छा लगा था, बचपन वाला या आपका तो बचपन भी बिना मम्मी का ही गया? मेरा बचपन भी बेकार था बचपन, लेकिन कहीं जाके ठीक हो था कि सब लोग हमको प्यार कर रहा था, उस समय माँ नहीं थी तो सारे लोग हमको मान जान कर रहे थे, अच्छे से रखे थे, लेकिन शादी। कौन सा फेज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, मतलब लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा फेज होता है, शादी के बाद वाला कि शादी के बाद का बच्चा का होने के बाद वाला कि कौन सा? शादी के बाद जब तुम्हारे पापा के साथ हम थे तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे लोग हुए खुशी हुआ बच्चा लोग हुआ तो, लेकिन टेंशन बहुत बढ़ते गया तो आपका खुशी का बंटवारा होते गया, और हमेशा इन लोग के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और इनके पापा इतने अच्छे हैं, भगवान वैसे पति सबको दें। हमको पता ही नहीं चला कि माँ मेरी नहीं है या पति मेरे हैं, माँ है क्या है, हमको सब कुछ अरमान पूरा किए, और दादी भी हमको बहुत मानती थी, हम उनको माई कहते थे। तो कौन सा इसीलिए एक सॉन्ग बना हुआ है, कौन सा पति कैसे स्टार्टिंग है उसका, पति परमेश्वर की मुझे को मुझे बर चाहिए। चलिए गाइस रील बनाई है मम्मी इस पे,
ये रील जाके आप लोग देख सकते हैं लोग किस पे। भगवान करे कि सब लोग को लंबी उम्र मिले पति का, और पति से सब कुछ है इस दुनिया में। तो आप लोग भी, आप लोग के लिए भी हम प्रे करेंगे भोलेनाथ से, पार्वती माता से, कि आप लोग भी जहाँ रहे खुशहाल रहे, और मेरा भी सुहाग बना रहे कि हम हमेशा इसी तरह रहे और आप लोग के सामने रहे। और गाइज आप लोगों को बता दें कि हम लोग एक आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग ना चाहते हुए भी मम्मी जो है आप लोगों से एकदम कनेक्ट हो गई हैं। एकदम अपनापन, वीडियो नहीं डला रहा था तो एकदम मतलब छटपटा जाती हैं कि पब्लिक लोगों को कुछ बात करने का मन है, बात करने का मन है। तो ये मत समझिएगा आप लोग कि आप लोगों को नहीं जानते हैं लोग, तो हम लोग नहीं जानते। कभी भी आप लोग देखिएगा कि मम्मी जो है आप लोगों के लिए ही, और खूब सारा आप लोग से प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का इस बार जो है वो मम्मी फाइनली बात काट दी हैं, और वो क्या है और किस लिए, तो पति के वजह से। तो तीस था तो अब तीस था तो साड़ी निकाले थे चार ठो, आप लोग को दिखाए थे कि कौन सा पहने। तो अब इसमें भाई हमको लग रहा था दुविधा, तो हम बोले भी थे आप लोग से कि अगर अंकल जी ला देंगे तो उन्हीं का साड़ी पहनेंगे हम, क्योंकि ये पर्व हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, फास्ट उन्हीं के लिए रख रहे हैं। तो उनका दिया हुआ पहले हम पहनेंगे, तब बेटा है तब बहू है। तो चलिए गाइस अब आप लोगों को फाइनली मम्मी दिखाने वाली हैं तीज का जो साड़ी जो कि पहनने वाली हैं, और ये साड़ी भी आप लोगों को बताई होंगी पहले। तो अब आप लोग पापा का खरीदा हुआ साड़ी है। अब आप लोग बताइए कि मम्मी जो साड़ी पहनने वाली हैं ये कैसा है, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत सारा कमेंट किया ही था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस वाले ये साड़ी हम लाए हैं पहनने के लिए इस बार तीज में, और यहाँ पे है इस तरीका का ये साड़ी है, यहाँ पे इसका पल्लू है। तो कल ये हम पहनेंगे और हमारे पर अच्छा भी लगेगा, सिंपल सोवर है तो आप लोग बताइएगा अच्छा है ना। और इसका जो है आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा कुछ लिए नहीं, इनके पापा जल्दी जल्दी जाके एक डब्बा चूड़ी ला दिए, हम गए रहते मार्केट तो लाह का चूड़ी लेते। यहाँ पे इसका सेट रखे हैं, और ये ब्लाउज सिंपल सिलवाया है कुछ इस तरीका का, तो गांव से ले जाकर पापा सिलवा के लाए जल्दी से। और वो जो साड़ी सचिन का है वो हम दिए हैं कहीं दूसरी जगह सिलने के लिए, तो वो नहीं सिल पाई। तो अब देखेंगे जब मौका मिलेगा तो पहनेंगे। और इसके साथ जो सेट है वो क्या क्या पहनिएगा? अब तो जेवर हम लेके आए नहीं है जल्दी, देखते हैं कब कुछ जुगाड़ लगाएंगे पहनने के लिए। और यहाँ पे पापा एक डब्बा चूड़ी लाए जल्दी से, इसमें यहाँ पर कांच का चूड़ी है तो ये हम पहन लेंगे कल। और गला का बस यही है, लेकिन हम अपना ये लाए हैं मोटा वाला, ये पहन लेंगे गला में, ये भी सुहाग का निशानी होता है तो इसको कल हम पहनेंगे इसको, और नहीं तो देखेंगे आर्टिफिशियल कुछ पहन लेंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये पूरा पार्ट कैसा लगा, पूरा ब्लॉग कैसा लगा, और ये पूरा बात कैसा लगा, क्योंकि पहली बार मम्मी हैं बाहर, तो इस बार थोड़ा इनको भी लग रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए गाइस आई होप आपको ये वाला पार्ट, और पापा जी भी जब ब्लॉग देखेंगे तो जल्दी से जल्द कॉल करें जिससे पता चले कि हाँ वीडियो देख लिए हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मिस मत कीजिएगा। फिर से हम लोग बोलेंगे कि मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में कुछ भी हो सकता है, और ऊपर का जो टूर है वो हम लोग दिखाएंगे, कुछ कुछ और भी चीज़ उसमें अलग हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। कुछ कहना चाहेंगी? जल्दी मिलते हैं सब। हाँ सब लोग अच्छे से फास्ट रखिए, रात में सुबह में फास्टिंग रखना है कल, और आप लोग जल्दी मिलिए फिर से, और हम हो सकता है कहीं सचिन आ जाएंगे तो इसमें झलक दूसरे वाला ब्लॉग में दिखा देंगे आप लोग को। तो गाइस अभी हम लोग टूर कराने वाले थे, भगवान के हाथ के कठ पुतली इंसान खिलौना हो गई भगवान।